वेलकम गाइस इन दिस वीडियो। सो यूजीएससी का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो थोड़ा डिले हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, बट एक कारण ये हो सकता है कि अभी जो आठवां सेम का एग्ज़ाम है वो नहीं हुआ और पहला सेमेस्टर का एग्ज़ाम वो नहीं हुआ। तो ये दो रीजन्स हो सकते हैं इसके एडमिशन में लेट होने के कारण, क्योंकि तुम लोग भी आओगे तो फर्स्ट सेम में रहोगे और जो तुम्हारे सीनियर्स हैं वो भी फर्स्ट सेम में, तो दो बैच ए फर्स्ट सेम में यानी फर्स्ट ईयर में कैसे रह सकते हैं। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। एंड मे बी अनदर रीज़न हो सकता है कि और भी एडमिशन्स हो रहे हैं, जैसे ITI का एडमिशन हो रहा, पॉलिटेक्निक का एडमिशन हो रहा, नीट के थ्रू मेडिकल में एडमिशन हो रहा है, एंड और भी एडमिशन्स हो रहे हैं। सो मे बी दीज आर द प्रॉब्लम्स और रीजन्स कि जो तुम्हारा एडमिशन है वो डिले हो रहा है। लेकिन एक बात समझ लो, तुम्हारा एडमिशन मे बी सेकेंड माह में हो सकता है, लेकिन तुम्हारा चॉइस फिलिंग तो इसी माह में होना चाहिए। चॉइस फिलिंग तो हो सकता है इसी माह में, इसी मंथ में। तो चॉइस फिलिंग तो कुछ करना नहीं होता है, तुम्हें बस कॉलेज डिटेल डालना होता है कि तुम्हें कौन कौन सा कॉलेज चाहिए, उस हिसाब से तुम्हारे रैंक अगर लाइक करता है देन यू कैन गेट द कॉलेज। बट द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स आई थिंक। सो हो सकता है कि डिले हो सकता है, या तो अगला महीने में तुम्हारा एडमिशन होगा। अब इस महीने में चांस थोड़ा कम लग रहा है, मे बी अगला महीने में एडमिशन हो सकता है तुम लोग का, नहीं तो या तो अभी टाइम हुआ नहीं, अभी 17 तारीख हुआ है तो मतलब 25 से 30 के बीच एडमिशन हो सकता है, ठीक है। सो ये हो सकता है कि 25 से 30 के बीच तुम लोग का एडमिशन हो जाए, समझ गया। सो लेट्स होप कि तुम लोग का एडमिशन इसी मंथ में हो जाए, ओके। अगले वीडियो में बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग मतलब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है वो मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।